नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजलि। तुम चाहे बंद कर लो दिल के दरवाजे सारे, हम दिल में उतर आएंगे कलम के सहारे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। खून में उबाल आज भी खानदानी है, दुनिया हमारे शौक की नहीं एटीट्यूड की दीवानी है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। आप डरते क्यों हो, आती है अगर कोई परेशानी तो डरो नहीं, उसमें देखो सिर्फ ये कि हाथ आपका कौन पकड़ता है और कौन छोड़ता है। जेब में रखा पेन कोई मांग ले, देने में पसीने छूट जाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजी का टुकड़ा सौंप देते हैं। बहुत बदनसीब होंगे वो जो ऐसे त्याग की कदर ही ना करें। खुदा से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दुनिया से बहस करोगे तो कई और सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको भी कभी भी दुनिया के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जो कुछ पूछना है अपने मालिक से पूछो, वो जवाब जरूर देगा। जब जूते शीशे की अलमारी में रखकर बेचे जाएं और किताबें फुटपाथ पर बिकती हों, तो समझ लेना कि दुनिया को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी कलर जो बन रहा है वो रहा है आज का ग्रीन कलर है। आप लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और लकी नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है आज का नंबर 3। तो आज सितारों की जो ग्रह गोचर बन रहा है वो कहता है कि पुरानी घटनाओं का आज से प्रभाव कम होगा। किसी हीलिंग थेरेपी से भी पुरानी यादों से बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है। आज बड़े व्यवसाय का निर्णय मत लीजिएगा, याद रखिए इस बात को। जितना हो सके उतना पैसों का खर्च आज टाल दें तो बेटर रहेगा। समस्या का जो सोल्यूशन है गुरु या कोच से मिल सकता है जो आपके लिए उचित होगा, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से, एक्सपर्ट से। खुद से परिस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आज आप कोई गलती खा सकते हैं। लोहे से बनी वस्तु का दान आपका बोझ हल्का कर सकता है, इसलिए आज लोहा खरीदे मत बल्कि लोहे को दान जरूर कीजिएगा। साथ में आज सितारे ये भी कहते हैं कि आज जो है आप ज़्यादातर समय जो है अपनी पर्सनल लाइफ को स्पेंड करने में बिता सकते हैं, अपने घर वालों के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो ऐसी चीज़ें आज आप में देखने को मिल सकती है। वहीं आज संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग पॉजिटिव रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। प्रॉपर्टी के विक्रय संबंधित योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार में भी खुशी भरा माहौल बना रहेगा। साथ ही आज आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दें, जिसकी वजह से जो है आपके कई काम रुक सकते हैं। फिजूल की गतिविधियों में खर्चे की दिक्कत होगी और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापसी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है जैसा कि सितारे कहते हैं। तो इसलिए जरा सोच समझ कर संभल कर रहिएगा। आज सितारे ये भी कहते हैं कि काफी समय से आपके जीवन में स्थिरता थी, अब स्थिति में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। विचार में स्थिरता ही आपको नई दिशा दे सकती है। वो कहते हैं ना कि जैसे पानी अगर चल रहा हो तो उसमें आप अक्स नहीं देख सकते, और जैसे पानी ठहरता है तो आप इसमें अक्स दे सकते हैं। इस तरह की जो स्थिरता है आपको अपने विचारों में लानी है, तभी जो है आपका लक्ष्य एकदम साफ हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। जिसे लक्ष्य की प्राप्ति का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे उसका रास्ता नजर आएगा। ये समय आपको अपने आप को समझने और जीवन के अलग पहलू को दिखाएगा, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी में काफी बदलाव आते नजर आएंगे और लोग हैरान हो जाएंगे कि आप क्या थे और क्या बन रहे हैं। आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा बेहतर बनाने में स्पेंड होगा। स्टूडेंट्स को शिक्षा के अनुकूल ही कोई नई नौकरी मिलने से खुशी हो सकती है। धर्म कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। वहीं आज धन से रिलेटेड कोई नुकसान होने की वजह से तनाव भी रहेगा, जिसके कारण जो है स्वभाव में चिड़चिड़ापन तो देखने को मिलेगा ही। आपके जो ज़्यादातर पूर्ण वाणी है उसे दूसरों को नाराज कर सकती है। आपको जो है ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखिएगा, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो आज कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा तो बेहतर होगा। पुराना काम लगे रहिए, डटे रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम। नया काम जो है वो थोड़ा आज मत शुरू कीजिएगा।
क्योंकि कोई भी फैसला गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है। हर हाँ, अगर आप फैसला लेना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आप दूसरों की सलाह लीजिएगा, एक्सपर्ट्स की या बड़े बुजुर्गों की, गुरु की मत लीजिएगा। बेहतर रहेगा कि कार्यक्षेत्र में जैसा चल रहा है वैसा ही फोकस कीजिए आप उस पर। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से तनाव हो सकता है। काम में कुछ नयापन आपका स्ट्रेस कम कर सकता है। साथ में आज अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो फौरन उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां लाभदायक बनी हुई है। साथ में धन से रिलेटेड आपके योग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं, बस नया काम मत शुरू कीजिएगा। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी लाभदायक रहेगा आज के दिन। और साथ में आज किसी जॉब में जो है बदलाव हो सकता है, जिसमें आप चाहते हैं, आपकी इच्छा थी, आज उसमें ट्रांसफर बदलने के योग बनते चले जाएंगे। जो लोग जो हैं कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जॉब करते हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। साथ में आज मोबाइल कंपनियों को बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं उनको थोड़ा बहुत जो है ढील मिल सकती है अपने काम में, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे आज के दिन, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप मत आने दीजिएगा अपने परिवार में, वरना गड़बड़ तो हो सकती है। आपने तो वैसे भी देखा होगा सीरियल्स में कि अक्सर तीसरा बंदा ही नुकसान करता है दोनों के बीच में, तो तीसरे बंदे को अपने बीच में मत आने दीजिएगा। साथ में आज किसी पूर्व परिचित से मुलाकात मानसिक असंतोष का कारण बन सकती है, यानी कि कोई ऐसा भी मिल सकता है जिसके कारण आपको काफ़ी टेंशन मिल सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ में आज ये भी बता रहा है कि आज आपको थोड़ी बहुत तो सावधानी अपने आप में रखनी ही होगी। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो नुकसान भी होने के आज नज़र आ रहे हैं ऐसे संकेत। तो आज जो है मैं यही सलाह दूंगी कि दोनों में जो है संबंध, अगर आपसी जो मतभेद को भुला कर एक दूसरे से साझा करें हर एक चीज़ को, और हर एक चीज़ जो है आप बिल्कुल एक पर्दे की तरह होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट, ताकि आप भी कुछ ना छुपाएं और वो भी कुछ ना छुपाएं। तो यकीन माने आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही उम्दा गुजर जाएगा। साथ ही में आपसी मतभेद भी दूर हो जाएंगे और आपसी प्रेम जो है आपका बढ़ता नजर आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि आज सांस से रिलेटेड आपको दिक्कतें हो सकती हैं, अगर आप गर्म पानी पियेंगे और ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा, समय पर मेडिसिन लेनी होगी। चोट या एक्सीडेंट भी हो सकता है, छोटा मोटा वाहन से गिर सकते हैं, सीढ़ियों से भी गिर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा हर चीज़ का। साथ में आज वज़न की तरफ ध्यान देना होगा, ज़्यादा वज़न अगर आपका बढ़ रहा है तो अभी से परहेज़ करना शुरू कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपका विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है अपने घर में से है कोई भी कूड़ा करकट या फिर पुराना सामान अगर आपने रखा हुआ है फटा पुराना, तो उसको ज़रा बाहर निकाल दीजिए, वरना ये वास्तु दोष कहलाता है और इससे जो है धन आने में जो कमी दिखाई देती है। तो इसलिए जो है घर में टूटा फूटा सामान जो है या ख़राब है उसको बाहर निकाल दीजिएगा। बस आपके लिए विशेष उपाय आज का यही है। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।